तो मूवी की शुरुआत होती है एक बेसबॉल प्लेयर डोंग से, जो अपने परफॉर्मेंस से काफी पॉपुलर तो हो गया, लेकिन आज अचानक से पता नहीं क्यों उसने बहुत बेकार खेला, जिससे कि उसकी टीम और कोच दोनों काफी नाराज हुए। यहाँ तक कि उन्होंने ये सोच लिया कि शायद इसने फिक्सिंग की होगी। और हाँ दोस्तों, डोंग ने आज अपने कोच के कहने पर ही इस मैच की फिक्सिंग की थी, क्योंकि मैच जीतने से डबल पैसे इन्हें मैच हारने पर मिले। तब उस कोच ने डोंग को बस दो गड्डी देकर भगा दिया कि यही है तुम्हारा हिस्सा, जो देखकर डोंग ने कोच के घर वालों को याद किया। अब वो इस अड्डे से निकलता कि तभी यहाँ पुलिस की रेड पड़ गई, जिसमें हमारे डोंग भाई साहब को भी लोहे की चूड़ियां पहना दी गई। और आप सबको पता ही है कि अगर कोई ऐसे केस में अरेस्ट हो जाए तो उसके करियर के लग जाते हैं। तभी कुछ दिन बाद डोंग की एक ऐसे लॉयर ने बेल करवा दी जिसे वो जानता भी नहीं था। तब डोंग यहाँ से निकलकर उसी बैटिंग वाले अड्डे पर अपना हिस्सा लेने पहुंचा, जहां पर एक माफिया बॉस पार्क दूसरे आदमी को मार रहा था। तब डोंग सीधा अंदर पहुंचा, जहां से वो पैसों का बैग लेकर जाने लगा, लेकिन तभी माफिया बॉस ने उसे अपने तरीके से रोकने की कोशिश करी, जिस पर डोंग ने भी 2 मिनट में उन सब की बुक्की भर दी। लेकिन ये बात उसे बाद में पता चली कि माफिया बॉस पार्क के कहने पर उसे बेल मिली थी। तभी उसने पार्क से माफी मांगी, जिस पर पार्क ने उसे पैसों के द्वारा इसकी भरपाई करने के लिए कहा। अब वो यहाँ से जाने लगा, जिस बीच उसे सांघा नाम के सीनियर बॉस ने भी देख लिया। असल में सांघा ने ही पार्क से कहकर डोंग को बेल दिलवाई, क्योंकि वो उसे अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था, और उसे ही क्यों यह हमें आगे पता चलेगा। यहाँ डोंग बेसबॉल कैंप में सो ही रहा था कि तभी इतने में यहाँ सांघा के आदमी उसे बुलाने आए। दूसरी तरफ सांघा ने इस ज्ञान को एक रसीद दे दी कि तुम इतने सारे होकर भी छंगे से हमारा उधार नहीं ला पाए। तभी यहाँ डोंग पहुंचा, जिसने सांघा से डायरेक्ट बात करी कि मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करना चाहता हूँ, जिसके लिए डोंग ने साफ मना कर दिया। लेकिन फिर सांघा ने ये याद दिलाया कि भूलो मत, तुम्हें पार्क का बहुत सारा कंपनसेशन देना है। ये सुनकर डोंग सांघा के साथ काम करने के लिए मान गया। अब उसे पहला टास्क मिला कि इन्हें एक क्रिमिनल छंगे से सांघा का उधार लेकर आना था, जिसमें पार्क बोला कि देखो, ये तुम्हारा पहला दिन है तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। अब वो डोंग को सिखाने अंदर गया, जहाँ 2 मिनट में ही बाकी पार्क के चेले भागने लगे, क्योंकि छंगा बहुत ही तगड़ा बंदा था। तभी यह डोंग भी आ गया, जिसने पहले तो छंगे से थोड़ा प्रसाद लिया, लेकिन फिर जल्दी ही उसने छंगे को अपना भंडारा खिला दिया। अब उससे वसूली करके ये वापस सांघा के पास आए, जहां सांघा ने खुश होकर डोंग को कुछ पैसे दिए, लेकिन डोंग वही पैसे पार्क को देकर यहां से जाने लगा। तब सांघा बोला कि आखिर तुम बाहर भी क्या करोगे, वैसे ही तुम्हारे करियर के लग चुके हैं। तब डोंग ने भी अपना दिमाग लगाया, जिसके बाद वो सांघा के लिए काम करने के लिए मान गया। ये सुनकर सांघा ने उसे आज शाम एक पार्टी में बुलाया, जहाँ डोंग की आंखिया इन दोनों से टकरा गई, इस लड़की किम की दोनों आंखों से टकरा गई। तब उसे पता चला कि किम यहाँ की एक ऐसी प्रोस्टिट्यूट है जो इनकी पार्टी में कम फन को ज्यादा करती है। तब इनकी पार्टी के बीच ये जियान इस बात से गुस्सा हो गया कि आखिर इस सुक्कड़ को हम अपनी टीम में क्यों ऐड कर रहे हैं, लेकिन सांघा ने उसे शांत कर दिया कि अब से डोंग हमारा फैमिली मेंबर है, जिसके बाद ये अपने अपने डेटा ट्रांसफर में लग गए। अगले दिन से ही डोंग भी सांघा का बिजनेस काफी अच्छे से संभालने लगा, जिसमें पार्क उसे काफी समझा भी रहा था। साथ ही डोंग भी इस प्रोफेशन को धीरे धीरे एंजॉय करने लगा, लेकिन मन ही मन उसे किम भी बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो चाहकर भी किम से बात नहीं कर पाता, और किम ने भी अभी तक उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। अब ऐसे ही एक दिन जब वो हांडते हुए वापस घर जा रहा था, तभी बीच रास्ते में यहाँ सांघा आया,
जिसने डॉन को अपनी गाड़ी में बिठाकर बताया कि तुम्हें मैच फिक्सिंग की अच्छी नॉलेज है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटिंग कंपनी संभालने के लिए दे रहा हूँ। जिसके बदले में उसने डॉन को एक कार भी गिफ्ट करी। अब कार आ गई तो लड़की भी आ ही जाएगी, इसलिए अगले ही दिन किम ने किसी बहाने से डॉन से बात शुरू करी, जिसके बाद उसने पूछा कि क्या कल तुम दूध लाने के बाद फ्री हो। डॉन बोला कि आपके लिए तो फ्री ही फ्री है। जिसके बाद अगले दिन ये गटर के किनारे घूमने फिरने निकल गए। तभी डॉन्ग उसके लिए खट्टी टॉफी का शेक लेके आया, जहाँ ये बूढ़ा आदमी भी खड़ा हुआ था। तभी वो बूढ़ा आदमी किम के डेटा ट्रांसफर के बारे में पूछने लगा, जिसे सुनते ही डॉन्ग ने उस बुढ़ाऊ का टेटुआ पकड़ लिया। लेकिन इस घटना से भी इनकी डेट पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उल्टा इन दोनों ने तो भाई साहब घर पहुंचते ही वो डेटा ट्रांसफर शुरू किया जो बस मैं यूट्यूब की शरह में दिखा नहीं सकता। खैर, अब अगले दिन सांगा ने डोंग को इनके चेयरमैन से मिलवाया, जो कि वो बुढ़ाऊ टोनी ही था। तब तो डोंग की भी लुप लुप हो गई कि आखिर मैंने क्या कर दिया। लेकिन टोनी ने उसे कुछ नहीं कहा, उल्टा वो डोंग को एक प्रोजेक्ट देने वाले थे जिसमें उसे इनके फाइनेंस के लिए एक कंपनी खड़ी करनी थी। यहाँ डोंग भी पूरी वफादारी के साथ अपने काम में लगा हुआ था, जहाँ वो बड़े से बड़े क्रिमिनल से भी इनका उधार लेकर आ जाता। साथ ही उसने बैटिंग साइट पर भी सांगा की अच्छी कमाई करानी शुरू कर दी, जिससे सांगा भी खुश और रात को किम भी खुश, वो बस तरीका लगे। खैर, धीरे धीरे ऐसे ही 3 साल बीत गए, जहाँ डोंग इस बिल्डिंग का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। लेकिन उसे क्या पता था कि आज ही सांगा उसे डायरेक्टर पोस्ट से हटा देगा, क्योंकि पिछले टाइम में जो डोंग पर फिक्सिंग के आरोप लगे उससे इस कंपनी की रेपुटेशन खराब हो रही थी। तब डोंग ना चाहते हुए भी इस डायरेक्टर की पोस्ट से हट गया, लेकिन इस बात से वो काफी गुस्सा था क्योंकि उसने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की थी, जिसके चलते अब उसका बैटिंग में भी ध्यान नहीं लग रहा था। साथ ही उसकी गैंग के लोगों से भी लड़ाई होने लगी, जिसकी खबर जब सांगा तक आई तो वो बोला कि हम डोंग को नहीं निकाल सकते क्योंकि वो हमारा फैमिली मेंबर है। अभी तुम कटर पर ध्यान दो क्योंकि वो भी जेल से छूटने वाला है। अब ये कटर कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ सांगा ने डोंग से मिलकर उसे समझाया कि ये बिजनेस मैंने काफी मेहनत से खड़ा किया है, जिसको तुम अपने 2 मिनट के गुस्से में खत्म नहीं कर सकते। साथ ही उसने ये भी पूछा कि तुम पार्क से मिलने क्यों नहीं गए। तब डोंग बोला कि मुझे और भी काम है, और वो काम आपको पता ही है दोस्तों। यहाँ टोनी किम को अपने साथ लेकर बैठा था क्योंकि ऑब्वियसली वो उनकी प्रोस्टिट्यूट थी। तब वो जबरदस्ती किम से कोई दूसरी जॉब भी कराने लगा, जिसके चलते जब किम घर पहुंची तो रोते हुए बताने लगी कि मेरा सांगा की कंपनी पर काफी कर्जा है, इसलिए मैं ये सब करके उनका कर्जा उतार रही हूँ। ये सुनकर डोंग ने सांगा के साथ एक मीटिंग रखी कि मैडम किम का सारा कर्जा मेरे खाते में डलवा दीजिए, मैं उसका सारा कर्जा उतार दूंगा। जिससे सांगा समझ गया कि डोंग अब उसके काम पर नहीं बल्कि किम के काम पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। खैर, तभी वो यहाँ से टोनी के साथ एक जरूरी मीटिंग के लिए निकल गया, जिस बीच कटर के आदमियों ने उनकी कार को घेर लिया। असल में कटर इनका ही कॉम्पिटिशन था, जिसे इन्होंने कुछ टाइम पहले जेल में डलवाया था। तब कटर इन दोनों का भूत उतारता कि इतने में यहाँ सांगा का काफिला पहुंच गया, जिससे डर कर कटर के आदमी भाग निकले। तब टोनी भी सांगा को सुनाने लगा कि मैंने तुमसे कहा था ना इस कटर का कांड कर देना, तो किया क्यों नहीं। अब वो हुआ इसलिए नहीं क्योंकि डोंग पार्क से मिलने गया ही नहीं, तो कटर का कांड कब होता। और डोंग क्यों नहीं गया, किम की वजह से। इसलिए सांगा ने किम के पास जाकर उसे प्रसाद दिया कि अब से तुम डोंग से दूर रहना, वरना तुम्हारे साथ साथ उसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। या सांगा के आदमी कटर के अड्डे पर उसका खेला करने पहुंचे, जिनमें की डोंग भी शामिल था। तब डोंग बड़ी चोड़ में अकेला ही कटर को मारने के लिए एक दूसरे रास्ते से गया, लेकिन सबको खुराक देने के बाद इन्हें पता चला कि असल में यहाँ कटर है ही नहीं,
क्योंकि वो भाई साहब तो ऑलरेडी सांगा को किडनैप कराने के पीछे लगा हुआ था, जिसमें वो सफल भी हो गया। तभी पार्क ने भी ये सीन देखकर डोंग को इसकी खबर दे दी। तब डोंग उसी बैटिंग वाली जगह पर आया जहां कटर ने सांगा का कचुम्बर निकाल दिया था। तब कटर और डोंग के बीच लड़ाई शुरू हुई, जिसमें कटर पर इस सुकड़े डोंग की मार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो 2 मिनट में डोंग को इधर से उधर फेंक देता। तब डोंग ने मौका देखते ही एक रस्सी से कटर के गले को घोटकर उसे वहीं बेहोश कर दिया, जिसके बाद उसने कटर के होश में आते ही उसे जिंदा जमीन में दफन कर दिया। यहाँ कंपनी की फाइनेंस मीटिंग के बीच ही सांगा को स्टेज पर बुलाया गया, क्योंकि उसे एक नई पोस्ट मिलने वाली थी। लेकिन इतने में यहाँ पुलिस और SPD की रेड पड़ गई, जिसमें कि इन्होंने सांगा के सारे इलीगल एक्टिविटी को सीज कर दिया। तब सांगा समझ गया कि टोनी ने उसे धोखा दिया है, जिसके बाद उसने अपना विश्वास डोंग पर दिखाते हुए उसे माफिया बॉस बना दिया, जिसके लिए डोंग भी अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। लेकिन ये बात टोनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए उसने डोंग को किसी काम के सिलसिले में अपने पास बुलाया, जहां पहुंचते ही उसने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि मार दो इसे। अब डोंग का कांड होता कि इतने में यहाँ फिर से घूमती हुई पुलिस आ गई, जिसने इस बार टोनी को अपने आड़े में ले लिया, क्योंकि इस बार डोंग ने टोनी के खिलाफ सारे एविडेंस देकर अपनी चाल चल दी थी, जिससे गुस्सा होकर टोनी ने जेल में अपने लॉयर से बात करने के बहाने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि इस डोंग का काम तमाम कर दो। यहाँ डोंग को जब किम का पता चला तो उसे देखने तो जरूर पहुंचा, लेकिन मिलने या डेटा ट्रांसफर के लिए उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक माफिया बॉस की मुसीबतें किम के सर पर आए। यहाँ सांगा की बेल होते ही उसने उन लोगों का कांड करना शुरू किया जिन्होंने उसे टोनी के कहने पर धोखा दिया था, जैसे वो लॉयर। यहाँ डोंग पर टोनी के आदमियों ने हमला कर दिया, क्योंकि टोनी अब जेल से कभी बाहर नहीं आने वाला था। तब इतने सारे आदमियों के आगे डोंग के कुत्ते फेल होने लगे, जैसे बीच यहाँ सांगा भी पहुंचा, जिसने डोंग की मदद करने की सोची। वैसे ये क्या मदद करेगा, ये तो खुद कटर से पिट गया था। खैर, इन दोनों ने मिलकर उन आदमियों का खूब सामना किया, लेकिन धीरे धीरे ये दोनों काफी जख्मी होने लगे, जिसके बाद ये अपनी जान बचाने के लिए एक शिप पर कूद गए, ताकि कम से कम उन लोगों से छुटकारा तो मिल ही जाएगा। तब हमें पता चला कि असल में सांगा ने डोंग को अपनी गैंग में शामिल क्यों किया। असल में कुछ साल पहले सांगा अपने आदमियों के साथ एक जगह पर उधार वसूली करने गया था, जहां पर डोंग सांगा के आदमियों से बिना डरे ही लड़ने लगा। तब उसकी हिम्मत देखकर सांगा ने यह फैसला कर लिया था कि जैसे ही डोंग बड़ा होगा वो उसे अपनी गैंग में शामिल कर लेगा। ये सुनकर डोंग हंसने लगा, जिसके बाद इन्होंने शिप पर ही अपना दम तोड़ दिया। अब शाउट आउट आएंगे दोस्तों अगली वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल बिजी हो गया। बाकी ये मूवी कैसी लगी लाइक कॉमेंट करके जरूर बताओ, साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।